आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस फिर से सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है कि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु की आराधना कर सकें। जैसे हम सब जानते हैं कि जो कि हम कष्ट काल में हैं, कलीसियाएं बंद हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी जो है हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रभु हमें बुलाता है कि जो कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। तो क्यों ना जो कि हम विश्वास के साथ प्रार्थना के द्वारा हम अपनी आराधना को प्रारंभ करें। हम अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, महान ईश्वर है जो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, अनंत काल का राजा, और आज भी अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि इस वक्त इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं। तेरी प्रसन्नता के लिए धन्यवाद देते हैं, अब तक की सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। यद्यपि अगर आज हम जीवित हैं और इस ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु जी हम शामिल हैं, तो ये आपकी कृपा है। आज की आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हमारा प्रभु जी गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का पढ़ा जाना और प्रभु जी सुना जाना हम पर प्रभु जी बहुत बड़ा कार्य करे, हम आशीषित हो सके, हम प्रभु जी अपने विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं और इस आराधना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं, आमीन। आइए जो कि हम कुछ गीतों के द्वारा हम प्रभु की आराधना और स्तुति करें। सबको जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए कि हमें फिर से एक साथ जुड़कर इस माध्यम द्वारा प्रभु की आराधना और स्तुति करने का मौका मिला है। यीशु जिंदा है और इतिहास इसका गवाह है। मैं आशा करता हूँ कि इस महामारी के बीच में भी आपने प्रभु की संगति और उसकी उपस्थिति का अनुभव किया है अपने जीवन में। क्यों ना हम मिलकर अपने आनंद को प्रकट करते हुए इस गीत को एक साथ मिलकर गाए और उसके नाम को ऊंचा उठाए। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी, छीके हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। सारे धुल गए आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। उन्हें बदला सदा के लिए, अरे जब स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द लाकर थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। सारे धुल गए आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। उन्हें बदला सदा के लिए, छुड़ाया मुझे।
की जय। आनंद है मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। भजनकर्ता कहता है कि नरसिंगे, डफली, झांग सब कुछ लेकर अपनी आवाज को ऊंचा उठाकर उसकी स्तुति और उसकी आराधना करो। क्यों ना आज हम अपनी आवाज को ऊंचा करके उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसकी महिमा करें। आवाज उठाएंगे हम, सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाए। सांस बजाएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे यीशु ही इस सृष्टि का निर्माण करता है। इस संसार की सुंदरता केवल यीशु के वजह से, चांद सितारे सब कुछ केवल उसने बनाए। क्यों ना इस गीत के द्वारा हम उसकी जय जयकार करो। सकते कि प्रभु सचमुच धन्यवाद। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है कि आउट ऑफ दी ओवरफ्लो ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स। तो वो मांगते कि आज हमारे दिल से केवल तेरी स्तुति, तेरी आराधना निकले, क्योंकि तेरी पाक मोहब्बत हमारे दिल में बसती है। हालेलुया। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पार सका कोई सागर है तुलफत का। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पारस का कोई सागर है तुलफत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, और जब हम पाप ही में थे तब आकर उसने अपनी जान हमारे लिए दी। कितना सुंदर परमेश्वर कि वो हमको पाप में देख न सके। हालेलुया।
ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे। परमेश्वर होकर भी यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, एक मनुष्य रूप धारण किया, क्रूस की मृत्यु सही, इसलिए परमेश्वर ने उनके नाम को सभी नामों से ऊंचा स्थान दिया। क्यों ना आज हम मिलकर उस नाम को ऊंचा उठाए, इस गीत को गाए और कहे कि प्रभु तू राज कर हम पर। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समा। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां, सजदे में हर इंसान। जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टेके सारे घुटने, घुटने टेके
मांगते हैं कि तू इस दुनिया पे राज करे परमेश्वर, कि हर एक जबां अंगीकार करेगी कि तू ही इकलौता परमेश्वर है प्रभु, कि हर एक घुटना तेरे सामने झुकेगा प्रभु। और प्रभु जैसे हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सारी दुनिया पर केवल तू राज करे परमेश्वर, मांगते हैं कि हमारे इस दिल पर भी तू राज करे परमेश्वर, हमारे जीवनों में भी तू राज करे परमेश्वर प्रभु। मांगते हैं कि वो हर एक चीज जो परमेश्वर हमारे अंदर है, जो अपने आप को बढ़ावा देती है, मांगते हैं कि उन सारी चीजों को तू नीचे ला परमेश्वर, हम घटते जाएं और हमारे जीवन में केवल तू बढ़ता जाए परमेश्वर प्रभु। प्रभु यहाँ इस सभा में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु मांगते हैं कि हमारे सभी के जीवनों के द्वारा केवल तेरी महिमा हो, तू राज करने पाए परमेश्वर प्रभु। हम मांगते हैं परमेश्वर कि हम तेरा प्रतिनिधित्व परमेश्वर इस पृथ्वी पर सही तरीके से करें परमेश्वर। हमारी मदद कर कि हम चुने हुए लोगों के समान हमारा व्यवहार रहे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए अपने आप को नम्र किया, दीन बनाया और एक मनुष्य के रूप में आप मेरे और हम सभी के लिए आए प्रभु। हम मांगते हैं कि हम इसे कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा आभारी रहेंगे प्रभु, और अपने जीवन को इस बात को याद रखते हुए जिएंगे परमेश्वर। हमारी मदद कर प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और इस प्रार्थना को हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। आई एम सब अपने विश्वास का जो कि इकरार करे, और सब मिलकर हम प्रेरितों का विश्वास हम एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। हम सब मिलकर जो कि अपने बाइबल को खोलेंगे भजन संहिता उसका 146वां अध्याय, और वहाँ के जो कि आयतों को जो कि उत्तर प्रत्युत्तर हम पढ़ेंगे, और आखिरी आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है
और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। इस पढ़े हुए भजन संहिता पर परमेश्वर अपनी बड़ी आशीष दे, आमीन। आज के प्रचार के लिए जो वचन मैंने चुना है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11:25-27 गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन chapter 11:25-27। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। प्रभु इन वचनों पर अपनी आशीष दे। आइए जो कि हम प्रार्थना करें। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यद्यपि वो मर भी जाए तो जीवित रहेगा। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि तू पुनरुत्थान प्राप्त परमेश्वर, आज भी तू जीवित है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, विश्वास करते हैं जो जीवित है, मरा नहीं। और प्रभु जी, मर भी गया तो फिर से जिंदा हुआ, और हमारा भरोसा भी प्रभु से ऐसे जीवित परमेश्वर पर है जो फिर से आने वाला है, जो फिर से आएगा और अपने विश्वासियों को अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। उस वायदे के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जब हम आपके वचन को ध्यान करते हैं, हमसे बातें कर प्रभु जी। मेरे मुंह का वचन और हमारे हृदय का ध्यान तुझे समर्पित हो, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को स्त्री से जिसका नाम मार्था था उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आज का जो शीर्षक है, जो मेरे मैसेज का टाइटल है, वो है बिलीविंग इन क्राइस्ट द रेजरेक्टेड वन, पुनरुत्थान प्राप्त यीशु पर विश्वास करना। मार्था की जो कि बातों को आप सुने, जो आखिर में कहती है, हाँ ए प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह या मसीहा तू ही है जो जगत में आने वाला था। क्योंकि यीशु मसीह ने उससे सवाल किया था, क्या तू मुझ पर विश्वास करती है? आज भी इस पूरे पैंडमिक के समय जब हम देखते हैं कि जो कि ये बीमारी जब अपने पैरों को पसार कर हर एक के घर में, हर एक के जीवन में जब प्रवेश कर रहा है, प्रभु मुझसे और आपसे यही सवाल करता है, क्या अभी भी तुम जो कि मुझ पर विश्वास करते हो, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ही परमेश्वर हूँ? क्योंकि अनेक लोगों ने जो कि सवाल करना शुरू किया है कि क्या सचमुच कोई परमेश्वर है, अगर परमेश्वर है तो जो कि हमें छुड़ाता क्यों नहीं है, हमारे प्रियजन क्यों मर रहे हैं, इतना जो कि तबाही हमारे देश में और दुनिया में क्यों हो रही है, ये दूसरा लहर या सेकेंड वेव जो आकर पैंडमिक का जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जहाँ अस्पताल और जो कि नर्सिंग होम्स और घर जो कि सारे जो कि बीमारियों का केंद्र बन गया है, और मौत एकदम जो है दरवाजे पर खड़ी है, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछता है, क्या अब भी तुम मुझ पर विश्वास करते हो, या जो कि तुम्हारा विश्वास जाता रहा? Has your faith died, or do you still believe that I am the resurrection and I am the life and not the death? मैं मौत नहीं परंतु मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं प्रियो, यहाँ पे हम जानते हैं इस कहानी को, अगर आप पढ़ें, जो हम विश्वासी हैं या मसीह लोग हैं, हम अपने संडे स्कूल में या जो कि पूरे जीवन में अनेक बार जो है लाजर के जो कि इस पुनरुत्थान की कहानी को हमने सुना है। ये लाजर की कहानी जो है इस अध्याय में क्यों सेट किया गया है, अगर आप जो कि 12 अध्याय से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह की मौत के बारे में हम पढ़ते हैं। यीशु जो कि अपने चेलों के पांव धोते हैं, फिर उनका अरेस्ट होता है,
फिर जो कि हम जानते हैं कि वो सलीब पर जो कि मारे जाते हैं, तीसरे दिन जी उठते हैं, ये सारे कहानी के सेटिंग से पहले पुनरुत्थान किसका, लाजरस के पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह या जो कि लिखने वाला है यूहन्ना ने, इसलिए यहाँ जो कि उसने इस बात को सेट किया कि मैं और आप जो कि जान सकें कि जिसने लाजर को जलाया वो खुद भी जो कि तीसरे दिन वो जी उठेगा, वो मरेगा नहीं। जैसा आज हमने भजन संहिता में भी पढ़ा कि उसके जो कि प्रिय जन जो है उसके साथ बने रहेंगे, लेकिन दुष्ट जो कि मर जाएंगे, उनका नाम और निशान जो कि मिट जाएगा, वे कब्र में चले जाएंगे। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि जो कि यहोवा अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, झुके हुओं को जो कि खड़ा करता है। और हम यीशु मसीह के बारे में देखें तो उसने वही काम किया, अंधों को आंखें दी, वो जो विधवा जो झुकी हुई थी उसे जो कि उसने सीधा किया। एक जो कि हम जानते हैं विधवा को जो कि क्या बेटा जो मर गया था, जो वो अनाथ हो गई थी, कोई नहीं था, उसे फिर से उसके बेटे को जीवित किया। हम अनेक सीन देखते हैं, अनेक जो कि वो लड़की मर चुकी थी उसे जीवित किया। हम देखते हैं जो कि वो एक सैनिक का जो कि जो सोल्जर जो था वो भी जो कि मर चुका था, एकदम बीमार था, मरने के कगार पर था, यीशु ने जो कि उसे फिर से जीवन दिया। और इस लाजर की कहानी के द्वारा वो ये प्रूव करता है कि ये सारा जो कि जो तुमने देखा है कि जो मर चुके थे वे जीवित है, मैं भी मरूंगा और इससे ज़्यादा जो है प्रभावी जो है मेरा पुनरुत्थान होगा, क्योंकि जो जी उठे हैं, लाजर जी उठा था वो फिर से मर गया। हेजकिय्याह के जीवन में 15 साल जो कि परमेश्वर यहोवा ने जोड़ दिया, वो 15 साल के बाद वो फिर मरा। लेकिन यीशु यहाँ पर कहना चाहते हैं मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं मर गया था अब मैं जीवित हूँ। प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, 1:8-9 में पढ़ेंगे मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं मर गया था परंतु मैं अब जीवित हूँ। ये तीन कैरेक्टर को हम यहाँ पे देखते हैं, मरियम, मार्था और लाजरस। मरियम उन जो कि विश्वासियों को दर्शाता है जो आकर यीशु के कदमों पर बैठकर उसके वचनों को हर वक्त सुनना चाहते हैं, तैयार रहते हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। अगर मार्था के बारे में देखें तो जो कि मार्था कौन थी, वो उसको जो कि विश्वास था सेवा करने में, प्रभु घर पे आए हैं मुझे जो कि सेवा चहल करना है, और एक बार कंप्लेंट भी करती है कि प्रभु प्लीज़ कहिए ना कि वो आकर जो कि मेरे काम में हाथ बटाएं। तब जो कि प्रभु ने कहा मार्था मार्था तू अनेक बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने उत्तम भाग को चुना है। इसका मतलब नहीं है कि जो कि मार्था गलत कर रही थी, ये जो कि विश्वासियों का जो कि दूसरा जो कि पहलू है, एक पहलू जो आकर बैठकर प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं, एक लोग हैं एक ग्रुप है जो प्रभु की सेवा अलग अलग रीति से करना चाहते हैं, चाहे वो मिशनरी के रूप में करें, चाहे जो कि वो लोगों की सेवा करें, जो आजकल हम देखते हैं डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एनजीओस के जरिए लोग जो कि पानी बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, अनेक अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी सेवा टहल कर रहे हैं, जो मरते हुए लोग हैं उन्हें जो कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए जो कि एक स्वर्गदूत बनकर आते हैं, दे बिकम काइंड ऑफ एन एंजल हु कम एंड हेल्प देम, वो भी सेवा कर रहे हैं, सो दे ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। और तीसरा ग्रुप जो विश्वासी और जो हम देखते हैं वहाँ पे है लाजर के समान है, जो बीमार है, जो लाचार है, जो परेशान है। और आज हम यही चीज़ हम देखते हैं, ये तीसरा ग्रुप है जो इस दुनिया में हम देखते हैं। और प्रभु जो कि इन तीनों को जो कि हमारे सामने इन कैरेक्टर को रख के दिखाना चाहता है कि अगर यदि तू बीमार है, यदि तू बेबस है, तो मैं जो कि तुम्हें चंगा करूँगा, तुम्हें जिलाऊंगा, तुम्हें फिर से स्थिर खड़ा करूँगा। उत्पत्ति की किताब उसका 15:6 को जो कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, उत्पत्ति उसका 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ये अब्राहम के बारे में कहा गया है, अब्राहम ने विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब्राहम बिलीव्ड इन गॉड एंड इट वाज काउंटेड राइचियसनेस फॉर हिम। एवरीवन हु बिलीव्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड will become a righteous person. Everyone who turns towards the Lord will become a righteous person. जो भी यहोवा की ओर जो कि फिरते हैं या प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में कबूल करते हैं,
वो अब्राहम के जो कि संतान है वो धर्मी व्यक्ति बन जाते हैं। और आज यीशु मसीह जो इस लाजर की कहानी के द्वारा यही बताना चाहता है मुझे और आपको कि मैं ही जीवन हूं, यद्यपि लाजर मर भी गया है तो मैं उसे जिलाऊंगा। 4 दिन जो कि और भी देरी कर देते आने में, जब उसको बताया गया कि तुम्हारा मित्र बीमार है 2 दिन और ठहर गया, चेलों को आश्चर्य हुआ कि ये क्यों जो कि ठहर गया, इसका मित्र बीमार है, इसको जाना चाहिए, मदद करना चाहिए, हाथ रखकर दुआ करना चाहिए, बट why इज ही स्टेइंग हियर, why doesn't he go and help। आज यही सवाल उठता है, लोगों को पूछ रहे हैं परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, क्यों इतनी मौत हो रही है, लोग इतने परेशान क्यों हैं, वेयर इज गॉड, परमेश्वर कहाँ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके निकट है, आपके दुख में, आपके मुसीबत में, आपके आंसुओं में, अगर आप सचमुच विश्वास करेंगे तो वे चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के हाथों में सौंप देंगे, वो चंगाई ज़रूर देगा। हम मरेंगे नहीं, फिर से हम जो कि जिंदा वापस आएंगे। अगर यदि है जो कि आप जहाँ कहीं भी आप हैं, अगर आप घर में बीमार हैं, अपने बिस्तर पर है या हॉस्पिटल में है, मैं आपको बताना चाहूँगा विश्वास कीजिए यीशु मसीह पर, प्रार्थना करिए और आपको क्या करेगा, आपको उस अवस्था से खड़ा कर देगा। लाजर को उसने खड़ा करके कहा, लाजर बाहर निकला, और वो जिस अवस्था में था वैसे ही बाहर आया। और फिर उसने जो कि लोगों से कहा, इसके हाथ और पैरों को खोल दो, इसके बंधनों को जो कि आज़ाद कर दो। आज प्रभु जो कि यही कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और जो विश्वास करेगा वो अपने कब्र से भी जो कि वापस आएगा, मौत के मुंह से वापस आएगा, उसके सारे बंधन जो कि खोले जाएंगे, उसके सारे जकड़न जो कि ढीले किए जाएंगे, और यद्यपि जो कि विश्वास करे वो जीवित रहेगा। और आज मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, बिलीविंग इज द की टू स्पिरिचुअल लाइफ। विश्वास जो है हमारे आत्मिक जीवन की कुंजी है। विश्वास कीजिए और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म या आश्चर्य कार्य मेरे और आपके जीवन में हो जाएगा। बिलीविंग इन जीसस मीन्स क्या है, कि हम यीशु मेरे लिए जो है इस दुनिया में जो कि आया, देहधारी हुआ और हमारे बीच में आया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और वर्स 14 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना उसका 1:14 क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे, वहाँ पे कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी मानो जैसे पिता की एक लौते की महिमा। Believing in Jesus means believing that Jesus came in bodily form on this earth for me. यीशु शारीरिक रूप से मेरे लिए इस दुनिया में आया, इस बात पर जो कि विश्वास करना। दूसरा जो कि यूहन्ना उसके तीसरे अध्याय में देखते हैं, Believing in Jesus means to be born again. पापों से छुटकारा प्राप्त करके हम फिर से नया जन्म जो कि हम ले, नया जन्म जो कि हम प्राप्त करें। निकोदिमस को यीशु ने कहा कि तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन उसके माइंड में था। हम अगर आप अध्याय 3 को पूरा पढ़ेंगे तो उस वचन को जो कि आप समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जो कि बिलीविंग इन जीसस मीन्स टू बी वॉश्ड इन जीसस। यीशु मसीह में विश्वास करने का मतलब क्या है, यीशु के द्वारा जो है हम धोए जाएं। हम जानते हैं यूहन्ना के 9 के अध्याय में पढ़ेंगे, जो तो बीमार जो अंधा जो जन्म से अंधा था, यीशु ने उससे कहा, हम जानते हैं, जाओ और सिलों के जो कि कुंड में अपने आँखों को धो लो, और उसने धोया और वो देखने लगा। बींग वॉश्ड इन जीसस, इन द ब्लड ऑफ जीसस, यू नो मेक्स यू अ परफेक्ट बिलीवर इन क्राइस्ट। आपको जो कि एक अद्भुत विश्वास से बनाता है, जब आप अपने आप को यीशु के लहू में अपने सारे पापों को धो देते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और प्रभु में विश्वास योग्य एक विश्वासी बनते, एक चेला बनते, डिसाइपल बनते हैं, देन यू कैन से हाँ मैं विश्वास में मैं दृढ़ हो चुका हूँ। बिलीविंग इन जीसस मीन्स टू बी फेड बाई जीसस। जब हम कहते हैं कि जो कि यीशु मसीह पर जो कि मैं विश्वास करता हूँ, तो यीशु मसीह के वचन को हमें ग्रहण करना होगा, हमें खाना होगा। यीशु ने जो कि भीड़ को उसने खिलाया, 5,000 रोटी और जो कि मछलियों द्वारा उसने सबको फीड किया या खाना खिलाया।
वी ऑल्सो हैव टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. हमें प्रभु के चरणों में बैठकर उस जीवित रोटी को, उस मछली को, उसके वचन को हमें ग्रहण करना होगा. और लिखा हुआ इस स्टोरी को पढ़ेंगे अध्याय 6 में, वे सबके सब खाएं और तृप्त होकर अपने घर गए. ऑल एट देवर सेटिस्फाइड एंड दे वेंट होम. आज भी जब आप प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु में जो कि सेटिस्फाइड हो जाइए, प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए, और तब जो कि हम रुखसत होकर अपने अपने घर को, अपने अपने काम को जो कि हम जा सकते हैं. जब हम कहते हैं मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ, इट मीन्स टू एक्सपीरियंस द सफरिंग ऑफ जीसस. यीशु के जो है कष्टदायक उस समय को याद करें. यीशु ने जो कि वो दुख, वो पीड़ा आपके लिए सहा. जब आप भी जो कि दुख और पीड़ाओं को जो कि आप सहते हैं, यू नो इट्स अ बैप्टिज्म इन सफरिंग. केवल जो कि पानी में बपतिस्मा लेने पर जो कि लोग विवाद करते हैं कि कैसे जो कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, डुबकी का बपतिस्मा या जो है जो कि छिड़काव का बपतिस्मा, अनेक प्रकार के बपतिस्मा है. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के ऊपर बहुत सारा चर्चा होता है. यू नो बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट के ऊपर काफी डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम्स है. कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो दिस नॉट द बैप्टिज्म विच जीसस स्पीक्स इन हिज वर्सेस बीइंग टेकिंग पार्ट इन द बैप्टिज्म ऑफ द सफरिंग ऑफ जीसस. यीशु के दुख और पीड़ा में जो कि हम बपतिस्मा प्राप्त है, उससे हम जाएं रोमियो की पुस्तक उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि जब तक जो है हम मसीह में मर नहीं जाते हैं, हमारे पुराने स्वभाव को मार नहीं देते हैं, हम फिर से पुनरुत्थान होकर नए जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते. लाजर को मरना पड़ा तभी जो है कि वो जीवित हुआ. लाजर को उस बीमारी से होकर जाना पड़ा, लेकिन प्रभु ने उसे फिर से जिलाया. जब हम कहते हैं कि जो कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, उसका मतलब है टू बी रेस्ड विद जीसस इन न्यू लाइफ. यीशु के साथ फिर से जो कि पुनरुत्थान में जो कि नया जीवन प्राप्त करना. पहला कुरिन्थियों, उसको नोट कर लीजिए, बाद में जो कि आप पढ़ सकते हैं. फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्सेस 42-47. पहला कुरिन्थियों 15:42-47 वो वचन जो कि वहाँ पर लिखा हुआ है, मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में चर्चा है. और वहाँ लिखा हुआ है कि मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु के डंक को उसने हमेशा के लिए तोड़ दिया, मृत्यु पर विजय हुआ. आज हम भी जो है विजयी हो जाएं, हम भी जो है इस मृत्यु पर, इस बीमारी पर, इस कष्टदायक समय में हम जो है यीशु के सच्चे विश्वासी बने. हम जो कि इधर उधर जो कि लुढ़कने वाले विश्वासी ना बने, हम जो कि अनेक डाउट करने वाले विश्वासी ना बने, लेकिन स्थिरता के साथ प्रभु पर जो कि हम विश्वास करें. लिखा हुआ है अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए ये धार्मिकता गिनी गई. अगर आप आज विश्वास करते हैं, वो आपके लिए धार्मिकता गिनी जाएगी. आयत 26-27, यूहन्ना 11:26-27, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, आप जीवित है. अगर आज यदि आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस आराधना में शामिल है, तो उसका मतलब आप मरे नहीं हैं, आप जीवित है. अपने कानों के द्वारा सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर स्टिल अलाइव एंड यू नीड टू बी अलाइव इन जीसस, अलाइव इन हिज वर्ड, उसके वचन में जो कि हमें जीवित रहना है. हम केवल नाम के मसीह ना बने, लेकिन हम काम करने वाले मसीह बन सके, काम वाले मसीह बने, प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनकर मार्था के समान सेवा टहल करने वाले बने. दोनों जो कि बहुत जरूरी है. सिक्के की जो कि वो दो पहलू है, एक मार्था के तरफ का है और एक मरियम का है. बैठकर वचन सुनना और वचन पर अमल करना या वचन पर चलना, वचन के अनुसार करना, जो हम देखते हैं जो कि मार्था प्रभु की सेवा कर रहे थे. मैं प्रियो, आखिरकार जो कि लिखा हुआ है, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? डू यू बिलीव इन माई वर्ड्स? आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, मेरे प्रिय भाई और बहन, क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? मैं पुनरुत्थान प्राप्त यीशु तुझसे बातें कर रहा हूं. आई एम द रेजरेक्टेड क्राइस्ट हु स्पीक्स टू यू. डू यू बिलीव इन मी? यदि विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए कि प्रभु जो है हमें इस कष्ट काल से भी निकाल देगा, हमारे आंसुओं को पोछेगा और मृत्यु हमसे पार हो जाएगी. याद करिए निर्गमन की पुस्तक उसका 14 चैप्टर, निर्गमन 14 का पढ़ेंगे तो मूसा को आज्ञा दिया था परमेश्वर ने फसा का त्यौहार मनाने के बारे में. क्या था वो जो कि पास ओवर?
रात को मौत जो है इसराइलियों के घर के ऊपर से पार होकर मिस्रियों के डेरे में जो कि जाने वाले थे, और आज वही प्रभु के अगर हम विश्वास करेंगे ये भी समय निकल जाएगा। ये सब अंतिम घड़ी का समय है जब हमें जो कि प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु पर यकीन करना है। प्रियो सवाल, आखिरी सवाल फिर से वचन खत्म करने से मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, डू यू बिलीव इन जीसस और इज इट जस्ट ओनली वर्ड्स, केवल शब्दों में है, केवल चर्च आने में है, या बैठकर थोड़ा सा हमने प्रार्थना कर लिया या गीत गा लिया उतने में हमारा विश्वास है, या अटल या अटूट विश्वास है कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, यदि मैं मर भी जाऊं तो मैं यीशु मसीह में मैं जीवित रहूंगा, अगर मैं जीवित हूं तो मुझे जो कि यकीन है कि प्रभु मेरे साथ है। इसलिए पौलुस कहता है मरना मसीह है और जीना भी मसीह है। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जिए, एक ऐसे विश्वासी बने। हम अक्सर दूसरे लोगों को देखकर कहते हैं वो कट्टर है विश्वास में, वो भाई को देखो, बहन को देखो, अपने विश्वास में बहुत कट्टर है, और धर्म के लोगों को देखकर हम कहते हैं, क्या हम अपने आप को देखकर कह सकते हैं कि मैं कट्टर विश्वासी हूँ? आई एम अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर इन जीसस, और डू वी ओनली रेफर टू अदर्स, सी हाउ स्ट्रांग शी इज इन हर फेथ, व्हाट अबाउट अस, हमारे बारे में क्या है, हम कितने जो कि विश्वास करते हैं, हम कितने गहरे पानी में हैं, हाउ मच डू आई बिलीव इन जीसस, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो इस विश्व में रहकर प्रभु में वास करें, और तभी जो है हम सच्चे विश्वासी कहलाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन दोधारी तलवार है जो गुद्दे गुद्दे और मांस मांस को प्रभु जी चीर देता है। आज मेरी प्रार्थना कि मुझसे हमसे आपने जो बातें की है प्रभु जी, हम पक्के सच्चे विश्वासी बने, इस सारे महाकष्ट के काल में भी हम पिता परमेश्वर हिले नहीं, हम अपने विश्वास को खोए नहीं, लेकिन दृढ़ बने रहे, हमारी अगुवाई करना। आज की आराधना पर आपने अपने आशीष दी तो धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। प्रभु ने जो कि जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब विश्वास के साथ हम जो कि कहेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आई एम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सदा सर्वदा हम सभी के बीच में बनी रहे, आमीन।